वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागकन्या के आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर बिल्ली स्त्री काफी ज्यादा भयानक रूप लेने वाली है, जहाँ एक तरफ वो कृष को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उसके ऊपर काफी ज्यादा तगड़े वार करेगी। और उसके बाद में यहाँ पर नागकन्या का सबसे बड़ा मकसद अब उस बिल्ली स्त्री को पकड़ना और बाकी सभी जहाँ पर जिन लड़कियों को पकड़ा गया है उनको उससे छुड़ाना। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में कौन है यहाँ पर बिल्ली स्त्री। अब यहाँ पर सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में क्या खास होने वाला है और क्या नया मोड़ आएगा कहानी के अंदर, हम वो बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहां पर कृष और बाकी सब लोग फंस जाते एक ऐसे जाल में जहां पर बिल्ली स्त्री कैद कर लेती है कृष को और उस लड़की को भी, जिसका आखिरी मकसद था कि सभी लड़कियों को कैद करके फिर से उन्हें बिल्ली स्त्री बनाया जाए, यानी सातों लड़कियां अगर साथ में आ गई तो सात बिल्लियां हो जाएंगी और पूरे गांव में तबाही आ जाएगी। अब यहां पर नागकन्या के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आखिर में कैसे रोका जाए यहां पर बिल्ली स्त्री को। तो वो एक तोड़ निकालती है और उसका साथ देने के लिए यहां पर गांववासी भी मौजूद होते हैं, लेकिन गांववासी सामने नहीं आते। सबसे ज्यादा यहां पर नागकन्या अब अपने दोस्त को भी बचाना है और उन लड़कियों को बचाना है, तो यहां पर नागकन्या आगे बढ़ती है और बचाने की कोशिश करती है अपने सभी साथियों को। और यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर बिल्ली स्त्री कृष को काफी ज्यादा मार रही होती है और यहां पर डरा धमका रही होती है, जिसकी वजह से कृष काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़की को भी यहां पर कैद कर लिया जाता है। और यहां पर आप सबके मन में काफी बड़ा सवाल कि आखिर में बिल्ली स्त्री है कौन। वो कोई और नहीं, गांव की ही सरपंच यानी मुखिया जो कि बनकर बैठी हुई है, वही औरत है। अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।